हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज हम बताएंगे आपको वाटरप्रूफ तीली जो कैसे बनाते हैं, जिसे हम पानी में भी डाल के उसे जला सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें एक माचिस और दूसरे नंबर पर चाहिए फेविक्विक, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बनाने वाले हैं वाटरप्रूफ तीली, जिसे हम पानी में डाल के भी बहुत आसानी से जला सकते हैं। तो देखिए लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको क्या होने वाला है, आइए। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं और दिखाते हैं इस। तो देखिए हमारे माचिस की तीलियां जो है निकाल ली हैं, और अब हम क्या करेंगे, इसमें फेविक्विक लगा देंगे। तो हम इसमें कुछ इस तरीके से फेविक्विक लगा देंगे, आप देख सकते हैं इसे हमने फेविक्विक लगा दिया है। एक तीली और कर दे, एक तीली में और लगा देते हैं। तो गाइस हमने जो है तीली में फेविक्विक जो है लगा दिया है, और अब आपको दिखाते हैं इसे पानी में डालने के बाद भी कितने आसानी से जलाया जा सकता है। तो चलिए दिखा रहे हैं दोस्तों। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रही हमारी माचिस तीली, और इसे हम पानी में आपके सामने डाल रहे हैं। देखिए इसे हमने पानी में डाल दिया है, देखिए, और अब हमें इसे जला के दिखाते हैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जल चुकी है। अब एक बार और ट्राई करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये रही माचिस की तीली हमारी, इसे हम फिर से जला के दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों जल चुकी है आसानी से। तो गाइस आप समझ सकते हैं अगर हमें वाटरप्रूफ तीली बनानी हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले फेविक्विक जो कि हमें इसके इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे लगा देना चाहिए, जिससे ये इसकी जो ऊपर की परत है जो इसे मजबूत बना देगी, इसे उखड़ेगी नहीं। तो गाइस मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइस आपने देख लिया कि वाटर प्रूफ जो है तीली कैसे बनाते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर प्रूफ तीली बन जाती है, जिसे हम आसानी से पानी में डालकर भी जला सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।